దేశంలోని అతిపెద్ద రోడ్ కమ్ రైల్వే బ్రిడ్జిని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం మోడీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. नमन करता हूं. इसके साथ साथ वीरता और बलिदान के प्रतीक लासित बोरफुकन, वीर शिलाराय, स्वर्गोदेव सर्वानंद सिंह, वीरांगना होती साधिनी जी, बोदोसा वीर राघव मोरान जी, मानिक रजा, होती जयमोती, होती राजिका समेत तमाम नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. आजादी की लड़ाई से लेकर देश और असम के नवनिर्माण के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया. राजनीति से लेकर समाज सेवा, ज्ञान विज्ञान और खेल कूद तक असम को, देश को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व को मेरी कार्यांजलि समर्पित है. मैं असम की स्वर कोकिला पद्मश्री दीपाली बोर ठाकुर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. उनके जाने से असमिया सुरों को देश विदेश के असंख्य दिलों तक ले जाने वाली एक आवाज चली गई है. साथियों, आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी है. अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है. भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है. अपने पराए तेरा मेरा, इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है. जब सबका साथ सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है, देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है. साथियों, यही प्रयास बीते 4.5 वर्ष से केंद्र और अब आसाम की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये निरंतर कर रही है. मुझे खुशी है कि आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड बीच के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं. ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है. ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है. पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है. एक साथ गाड़ियां और ट्रेन की रफ्तार और भार सहने की इसकी क्षमता देश की सामरिक शक्ति को भी कई गुना सुदृढ़ करने वाली है. भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है. इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है. ईटानगर से डिब्रूगढ़ की रेल यात्रा अब करीब 700 किलोमीटर घटकर 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है. ट्रेन से जिस सफर में पहले
लगभग 24 घंटे लग जाते थे, अब वही सफर सिर्फ 5-6 घंटे का रह गया। करीब 5 किलोमीटर के इस पुल से असम के तिनसुकिया और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच दूरी ही कम नहीं हुई है, लोगों को अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिली है, उनका जीवन भी आसान हुआ। मुझे बताया गया है कि पहले धेमाजी, लखीमपुर और अरुणाचल के अनेक जिलों के लोगों को नाव के माध्यम से ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ता था, या फिर सड़क या रेल के रास्ते करीब करीब पूरे दिन का लंबा सफर करना पड़ता था, कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। भाइयों और बहनों, आज जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, 14 कोच की ये डायरेक्ट ट्रेन इस पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने जा रही है। जिस सपने को देखते हुए पीढ़ियां गुजर गई, अब वो सपना पूरा हुआ है। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जाने के लिए भी यहां के लोगों को गुवाहाटी से होकर जाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पढ़ाई लिखाई हो, रोजगार हो, व्यापार कारोबार हो, डिब्रूगढ़ नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहां आना जाना लाखों लोगों की जरूरत है। विशेष तौर पर गंभीर बीमारी की स्थिति में दिन भर का सफर कैसे जीवन पर भारी पड़ जाता था, ये आप सब भलीभांति जानते हैं। साथियों, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाएं अब नॉर्थ बैंक में बसे लोगों के लिए, युवा साथियों के लिए मिनटों की दूरी पर सुनिश्चित हुई है।